राजस्थान में करीब 35 दिनों तक चले सियासी संकट और 3 दिन के संक्षिप्त विधानसभा सत्र में गहलोत सरकार को घेरने में नाकामयाब रही भाजपा अब सड़कों पर हल्ला बोल की तैयारी में जुट गई है। दरअसल बीजेपी आलाकमान प्रदेश इकाई द्वारा सरकार को सही ढंग से नहीं घेरने को लेकर नाखुश है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के सक्रिय होने का भी बड़ा कारण इसे ही बताया जा रहा है। बीजेपी इतने बड़े सियासी बवंडर गुजर जाने के बाद भी कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार को कटघरे में खड़ा करने में नाकामयाब रही। इतना ही नहीं बल्कि खरीद फरोख्त के आरोपों के चलते आम लोगों के बीच बीजेपी की भी छवि खराब हो गई। वहीं इसके बाद बीजेपी ने विधानसभा सत्र के दौरान गहलोत सरकार को घेरने की रणनीति बनाई थी, लेकिन विधानसभा सत्र में न प्रश्नकाल हुआ न शून्यकाल। इसमें एक दिन कोरोना की स्थिति पर चर्चा तो हुई, लेकिन वो हंगामे की भेंट चढ़ गई। ऐसे में जनता के मुद्दे उठाने का मौका न सत्ता पक्ष के विधायकों को मिला और न ही विपक्ष को। ऐसे में बीजेपी ने बढ़े हुए बिजली के बिल और किसानों पर पड़ी टिड्डी दल के हमले की मार सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर पूरे प्रदेश में 3 चरणों में हल्ला बोल करने का फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। 28 अगस्त को प्रदेश के सभी जीएसएस और बिजली निगम के कार्यालयों पर बिजली के बिलों की समस्या को लेकर बीजेपी धरना प्रदर्शन करेगी। वहीं 31 अगस्त को स्थानीय समस्याओं व कांग्रेस सरकार द्वारा बंद की गई लोक जन कल्याणकारी योजनाओं को फिर से शुरू करने सहित कई मांगों को लेकर बीजेपी उपखंड अधिकारियों को ज्ञापन सौंपेगी। इसके बाद 2 सितंबर को भी बीजेपी जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टर को विभिन्न समस्याओं को लेकर सांसद जिलाध्यक्ष पूर्व विधायक ज्ञापन सौंपेगी। वहीं बीजेपी के हल्ला बोल पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने चुटकी लेते हुए कहा कि ये अपनी झेप मिटाने के लिए कर रहे हैं इस तरह के जतन, अपनी टूटन रोकने के लिए बीजेपी कार्यक्रम आयोजित कर रही है। बहरहाल अब देखना और भी दिलचस्प होगा कि आखिर बीजेपी वसुंधरा राजे के सक्रिय होने के बाद गहलोत सरकार को घेरने में कितनी कामयाब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।